अब मैं आह्वान कर रहा हूं परम पूज्य साध्वी रितंभरा जी का। साध्वी रितंभरा जी का आह्वान करता हूं और मार्गदर्शन करेंगी साध्वी रितंभरा जी। धर्म रक्षा मंच के इस पावन संकल्प सभा के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय सारे राष्ट्र नहीं अपितु सारे विश्व में भक्ति की गंगा को प्रवाहित करने वाले पूज्य बापू जी को वंदन करती हूं। अखाड़ा परिषद के प्रमुख पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज को वंदन करती हूं। अपने पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूं। हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन प्रांगण, धरा गगन अंतरिक्ष सब कुछ प्रदूषित किया गया। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि सारा देश वासनाओं के रंग में रंग गया। देश की जवानी शराब की बोतलों में शांति की तलाश करने लगी। आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं हमको लगा शांति वही है और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म बयार को छोड़कर वासनाओं की आंधियों के बावरोलों के थपेड़े खाते हुए अपनी पहचान को खोते हुए आत्महीनता के शिकार अपने ऊपर ही शर्मिंदा होने लगे, अपने ऊपर ही हमें लज्जा आने लगी। ये भारत है जिसने हमेशा करुणा प्रमुदिता कृतज्ञता के गीत गाए। आज संतों को क्रांति का घोष करना पड़ रहा है। ये संत वो परंपरा के संवाहक हैं जहां नामदेव जैसे संत हुए। रोटी कुत्ता उठा के चल दिया तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों में नाम आकारों में हमने अपने प्रभु का दर्शन किया। कण कण में जर्रे जर्रे में वो दृष्टि अर्जित की, वो दृष्टि बांटी। जहां कोई सुमरे या विसरा दे, या कोई संसार बसा ले या कोई सन्यासी हो जाए, उस विराट चेतना के सागर में हम अंतर गुंथित है सुख दुख के ताने बानों में। इसलिए सर्वे भवंतु सुखिना के भाव से हमेशा हमारे हृदय भरे रहते हैं। विश्व का कल्याण हो, सब हृदयों में सद्भावना हो, ऐसी भाव धारा में बहने वाला हिंदू समाज जब आतंकवादी कहके अपमानित किया जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। मैं कई बार सोचती हूं कि मीडिया का काम है संतों को तालिबान कहना। बहुत लोग कहते हैं कि साधु घबरा गए हैं इसलिए वो भयभीत हैं, इकट्ठे हो रहे हैं भय के कारण। बड़ा विचित्र लगता है, जिस संत ने समाज को निर्भय पद पर प्रतिष्ठित किया हो, जिस संत ने जीवन की यह दृश्यमान नश्वरता का बोध करा के आत्मा की शाश्वतता का परिचय कराया हो, वो संत भयभीत कैसे हो सकता। संत ने तो सदैव कहा, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो ऐसी निर्भयता का पाठ पढ़ाता हो वो स्वयं भयभीत क्यों हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सरकार के इरादे खराब हैं तो सनातन संकट में है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। ये सत्य सनातन संस्कृति की जड़ों को संतों ने अपनी साधना से सींचा है।
अरण्य में खड़ा होकर एक योगी, एक तपस्वी, एक अपरिग्रही साधन एकत्रित करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपनों के लिए जीता है। वो प्रसाद बांटता है, वो बटोरता नहीं। उसका सूत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद बांटने वाले संत, नेह करुणा प्रेम लुटाने वाले संत आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ कारण है, निश्चित रूप से गंभीर कारण है कि जब अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, जब राष्ट्र की चेतना सुप्त हो जाती है तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है, जब चक्रवर्ती सम्राट अपने राज भवनों में विलासता की दुनिया में खो जाते हैं तो विश्वामित्र बनके राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। उसी भूमिका में आज पूज्य संत हमारे सामने हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भारत कैसा भारत, जिस भारत का गगन धरा मानस सब प्रदूषित हो जाए, ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या हमने? सावरकरों ने समुद्र की उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिखे, अंडमान की काली कोठड़ी में पत्थर की भीतियों पर हृदय के रक्त से शौर्य की कहानियां लिखी गई थी। किस भारत के लिए, मैं पूछना चाहती हूँ। स्मरण करो उस विद्यावती को जिसका पुत्र फांसी के फंदे पर झूला, आंखों ने आंसू बहाए तो लोगों ने कहा, माँ तू शहीद की माँ होके रोती है, अच्छा नहीं लगता। विद्यावती ने कहा, मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। ये संत शक्ति तुम्हारे को याद दिलाने आई है कि इस देश की सतियों की चिताओं की धू धू करती ज्वालाओं ने इस देश को उष्मा दी थी, इस देश को ताप दिया था। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारे शहीदों ने रावी के तट पर खड़े होकर कौन सी शपथ ग्रहण की थी, क्या कारण था कि मातृभूमि का अभिषेक स्वयं के रक्त से किया गया था, क्या कारण था। तुम्हें स्मरण दिलाने आए हैं, भले ही तुम 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की दिवाली में भूल गए हो, भारत का कितना बड़ा भू प्रदेश और उसका जन समाज चीत्कार हाहाकार करता रहा और दिल्ली आजादी के जश्न मनाती रही। हम आजाद हुए हैं, आज 60 वर्ष के बाद जहां खड़े हैं वहां का दृश्य बड़ा भयानक है। मैं पहले तो वंदन करती हूँ उनका जिन्होंने मुंबई को दहलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको नष्ट करने के लिए उम्बले जैसे पुलिस अधिकारी उनकी छाती पर चढ़ गए, 37 गोलियां अपने शरीर पर झेल ली और बताया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन कब तक बलिदान देंगे, कब तक रोएंगे, कब तक रुदन करेंगे, कब तक यह सारे वातावरण को चुपचाप मूक निष्पक्ष होकर देखते रहेंगे। हमें पक्षधर बनना है, सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए। याद रखना हिंदू समाज के बंधुओं, अगर विश्राम किया तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हो, विश्रांति हमारे लिए नहीं। जब तक माँ भारती अखंडता के आसन पर विराजमान नहीं हो जाती, और फिर हमारे संतों ने कहा कि मुसलमान बंधुओं को स्मरण करना होगा कि उनके पुरखे उनके हमारे पुरखे एक ही है। और फिर दूसरी बात यह है कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार, कोई मजहब, कोई पंथ, लेकिन मेरी मातृभूमि है। आज संत यहाँ किसी देवी देवता की पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, मातृ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर अपने आप को आहूत कर रहे हैं। धर्म पंथ संप्रदाय तब बचेगा जब मेरा राष्ट्र बचेगा, इसलिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। ये सबके हृदयों में, सबके मनों के अंदर, चेतनाओं के अंदर ये भाव प्रबल होना चाहिए।